बनना प्रारंभ करते हैं सबसे पहला टर्न ही आ जाता है रेखा। रेखा को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो पहला अगर सन विच्छेद आप लोगों को हिंदी पढ़ा होगा, वैसे भी आज हिंदी की क्लास में आप लोगों को क्लास लेना पड़ रहा है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा रेखा, दूसरा हो जाएगा खंड घड़ी। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है रेखा किसे कहते हैं, आप समझ लेते हैं रेखा क्या है। तो बताइए कोई रेखा किसे कहते हैं, डिफिनेशन रेखा की डिफिनेशन किसी को पता है। अच्छा अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं तो रेखाखंड किसे कहते हैं, क्या रेखा और रेखाखंड में कोई अंतर है। वास्तविकता ये है कि रेखा जिसे हम लोगों ने जो पढ़ा है आप लोग जो जानते हैं थोड़ा सा अलग होता है। रेखा वह ज्यामिति, सुनते रेखा ठीक है, सुनने वाला ज्यादा याद रहेगा। रेखा वह ज्यामिति आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा की कुछ विशेषताएं होती हैं उनको भी हम लोग साथ में पढ़ते चलते हैं। इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसे श्याम पर, श्वेत पर, कॉपी, जमीन आदि किसी भी स्थान पर निरूपित किया जा सकता, बल्कि इसकी कल्पना की जा सकती है। किसी भी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए जैसे ये है, यहाँ प्रदर्शित करेंगे, ये है रेखा ए बी, माने दोनों तरफ एरो हमेशा खुला रहता। यह एरो यह बताता है कि जो रेखा की दोनों बिंदु होते हैं वह निश्चित नहीं होते, माने रेखा के जो दोनों बिंदु होते हैं, दोनों एरो होते हैं, यह निश्चित नहीं होते। इसे शॉर्टकट में अगर गणित की भाषा में, रेखा गणित की भाषा में लिखना चाहे, ये हो जाएगा ए बी, दोनों तरफ की खोल देंगे, इसका मतलब है कि रेखा ए बी कह रहा है। अगर हमने लिख दिया कॉक और उसके ऊपर तीर दोनों तरफ खोल दिया, इसका मतलब यह है कि रेखा कॉक है। और इसकी विशेषता समझ लेते हैं, इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, माने रेखा की अगर लंबाई निश्चित नहीं होती, किसी भी रेखा की जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती। जैसे आपका दिमाग जितना दूर तक जा सकता है उतनी लंबी रेखा हो सकती है, उससे भी बड़ी। तो आप अपना दिमाग ले जाइए, यहाँ से लेके पूरी जौनपुर रेखा, यूपी रेखा, इंडिया रेखा, पूरा वर्ल्ड, आप सोचिए पूरे वर्ल्ड को एक लाइन से आपने घेरा रेखा। अब वहां से और आगे बढ़ा दीजिए, ब्रह्मांड तक ले जाइए, चांद सितारे, जहां तक आप सोच सकते हैं वो क्या हो जाएगी, सब रेखा ही होगी। वो क्या होगा, रेखा ही होगा। हमने जैसे जिस तरह हमने अंग्रेजी में पढ़ा था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसकी सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। वैसे आपने रेखा सोच ली यहां से लेकर चंद्रमा तक, फिर अब तुरंत सोच लिए कहां तक, चंद्रमा के बगल में शुक्र ग्रह तक, तो उसकी लंबाई शुक्र ग्रह तक। कहने का मतलब एक लाइन हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि रेखा की जो लंबाई होती है निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, उसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उसे किसी भी श्याम पट, श्वेत पट, श्वेत पट समझ रहे हैं, इसे व्हाइट बोर्ड कहते हैं, कॉपी, जमीन आदि किसी स्थान पर निरूपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो लंबाई अनिश्चित होती है, इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती, बस इसमें केवल क्या होती है, लंबाई होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर से बता दें, रेखा वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जब भी इसे निरूपित किया जाता है इसके दोनों तरफ दो एरो खोल दिया जाता है जो यह प्रदर्शित करता है। इसे दोनों तरफ दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी दोनों तरफ लंबाई अनिश्चित होती है, इसलिए इसे किसी भी श्याम पट, श्वेत पट, जमीन, कॉपी, कागज, कहीं भी इसे निरूपित नहीं किया सकता, बस इसकी कल्पना की जा सकती है। और हम सदैव उच्चारण करते समय गलत उच्चारण करते हैं, किसी भी स्थान को रेखा पढ़ते हैं जबकि वो रेखा वास्तव में नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक, समझ में आ गया आपको, रेखा समझ में आ गया। जैसे ये है, पहले इसको समझ लेते हैं ना, ये रेखा हो गई, ये हो गया पी, ये हो गया क्यों, ये दोनों तरफ जो एरो खुला है इस बात को निरूपित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि इसे हम दोनों तरफ दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, माने दोनों तरफ इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है। जैसे निश्चित कर देंगे उसका नाम बदल के हो जाएगा रेखाखंड। जैसे कह दिए 5 सेमी, 10 सेमी, 15 फीट, 40 मीटर, 100 मीटर, 5000 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगी, रेखाखंड हो जाएगी। अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये अनिश्चित है, जितना आप सोच सकते हैं वो हो गई रेखा। इसके बाद आती है किरण, इतनी भी सब महिलाओं के नाम मिलेंगे। फिर आते हैं किरण के पास, इसे रे कहते हैं, उसे लाइन कहते हैं, इसे रे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, किरण वह ज्यामिति, हाँ, किरण वह ज्यामिति आकृति होती है जिसका एक बिंदु तो निश्चित हो, जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, उसका एक बिंदु निश्चित होता है लेकिन दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता। इसको समझ लीजिएगा, लगाने से लिखने से बढ़िया क्या ना समझना, और जितने समझेंगे गणित उतने आसान हो जाएगी। जैसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने टार्च जलाया, माना टार्च, गणित वाले मास्टर ये हैं, माना एक्स, माना टार्च, तो जब जहां से टार्च हम जलाते हैं वह बिंदु निश्चित है लेकिन इसका प्रकाश कहां तक जाएगा यह बिंदु निश्चित, तो इसे लिख देंगे ए बी।
तो जिस तरफ तीर खुला होता है वह बिंदु निश्चित नहीं होता, ज्यादा तीर पैक होता है उसको बिंदु, इसको पढ़ेंगे किरण ए बी। क्या पढ़ेंगे? किरण ए बी। तो ये हो जाएगा इस तरह से ए बी, ये हो जाएगा या किरण ए बी। क्या हो गया ये? किरण ए बी। कोई समस्या? सारा मैटर वही है, एक बिंदु निश्चित है, दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता, एक बिंदु जहां पे निश्चित होता है उसके तरफ नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन जो बिंदु अनिश्चित होता है उसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पे सन है, यह पॉइंट इसका जहां से सूर्य की रोशनी निकलती है वो बिंदु निश्चित, वो पॉइंट निश्चित है, किंतु उसका प्रकाश कहां तक जाएगा यह बिंदु निश्चित, इसे क्या कहेंगे हम? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। मतलब किरण में वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, उसका एक बिंदु नियत होता है लेकिन दूसरा बिंदु नियत नहीं होता। इसे भी श्याम पर, श्वेत पर, अन्य स्थानों पर निरूपित नहीं कर सकता, बस इसकी कल्पना की जाती है। जिस तरह सूर्य का स्थान पर चमकता है वह बिंदु निश्चित होती है, किंतु उसका प्रकाश ब्रह्मांड में कहां तक जाता है यह निश्चित नहीं होती। यह सबसे किरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए समझ में आ गया ना, इसको पढ़ेंगे क ख। अब यही है क ख, इसे पढ़ेंगे ये क ख। अब इसमें क ख तो खन बिंदु निश्चित है, क बिंदु निश्चित, जिधर तीर खुला है तीर ये बता रहा है इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, तीर यही बता रहा है इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, कहां तक जाएगा कोई निश्चित नहीं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? चल अब आते हैं रेखा। रेखा क्या है? ये भी किसी लड़की का नाम है, चाहे ऐसा रेखाखंड है ना, ये पूरा रेखाखंड ही स्त्रीलिंग है। चलिए रेखाखंड क्या है? सेम पूरे परिभाषा वही है, रेखाखंड वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई मोटाई नहीं होती, किंतु इसके दोनों बिंदु या दोनों बिंदु या इसकी लंबाई नियत या निश्चित होती है। जैसे 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए, कभी आपने प्रश्न आप याद करिए, इस तरह से प्रश्न आता है कि 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए, उसे 5 बराबर भागों में बांटिए, तो वह रेखाखंड शब्द का प्रयोग किया गया होता है। यह भी कैसे निरूपित करते हैं? बस ये हो गया रेखाखंड ए बी। अब इसको लिखेंगे शॉर्ट में, इसको पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी, ये हो गया कक। इसकी लंबाई नियत होती है, इसे श्याम पट, श्वेत पट, कापी, जमीन पे आदि स्थानों पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया? चारों चीजें समझ में, देखा रेखा क्या होता है, कुछ नहीं करना है, रेखा आपको समझ में आ गया। एक बात याद रखना है, उसकी लंबाई नियत नहीं होती, अनिश्चित होती है। ठीक, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी लंबी होती है रेखा। किरण में एक बिंदु निश्चित होता है, रेखा में दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आते हैं पॉइंट, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? भैया जब पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग वृत्त, तो पता चला सबसे पहले आएगा बिंदु, केंद्र। ये बिंदु क्या है आप बताइए? हाँ, और बताएं आप लोग बिंदु क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और हम बना भी दे रहे हैं, इसी को डिफाइन करना है, यही क्या है इसे बताना है। बताइए आप लोग, अरे डरियो बताइए। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। ठीक, बिंदु को सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रूपित करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ये हो गया बिंदु ए, कभी आपने सुना बिंदु ए? याद रखिएगा, सदैव बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रूपित करते हैं, जैसे बी, बिंदु डी, बिंदु एक्स, बिंदु वाई, बिंदु जेड। बिंदु को सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक, बिंदु क, बिंदु च। ठीक, सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, केवल बात को समझिएगा, रेखागणित को समझिएगा। ठीक, जैसे घर में खाना बनाने पर टेस्ट करते हैं, लेकिन नमक कम है या ज्यादा,
बनाने की प्रक्रिया मत सीखिएगा, केवल यही सीखना है आपको नमक कम है या नमक। और अगर खाना बनाना सीखेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा और परीक्षा आपको 7 जुलाई को निश्चित है। ठीक, केवल क्या करना है आपको, टेस्ट करना है गणित की, वो भी किसकी, रेखा गणित की। खूब ध्यान समझिएगा, ये कोई बिंदु है, क्या है ये डिफिनेशन आपको पता हो गया, किसी एक बिंदु से अनंत रेखा, अनंत रेखाखंड, अनंत किरणें गुजर सकती हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, मैंने किसी एक बिंदु अगर P कोई मान लिया तो किसी भी बिंदु से अनंत रेखा, अनंत रेखाखंड, अनंत किरण गुजर सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, माने एक बिंदु से क्या होती है, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। दिखा आपको कैसे, दिखा ना, ये समझिए, इसको टेस्ट करिए, लिखिए ओके मत कर, समझ लीजिए, एक डायग्राम बनाया बस काम खत्म, सीधी से दिख रहा है ये कि एक बिंदु से अनंत रेखा, रेखाखंड, किरण, ये सब क्या होते हैं, गुजर सकते हैं। जबकि जबकि हमने क्या लिखा, एक बिंदु से अनंत रेखा, अनंत रेखाखंड, अनंत किरण गुजर सकती है, जबकि दो या दो से अधिक बिंदु यदि एक ही तल में स्थित हो उनसे केवल एक ही रेखा, एक ही किरण या एक ही रेखाखंड गुजर सकती है। जैसे हो गया ए बी सी, अब इसे रेखा बनाइए, किरण बनाइए, रेखाखंड बनाइए। हमने क्या सीखा, यदि एक बिंदु है तो अनंत, और एक या एक से अधिक यदि एक ही तल पर स्थित है तो उसे केवल एक ही रेखा, एक ही रेखाखंड या एक ही किरण की खींची जा सकती है, उससे अधिक नहीं। कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, हो गया ना। फिर वापस आते इस पे, जब किसी बिंदु से एक के अनंत रेखाएं गुजरती हैं और जिस बिंदु पर एक रेखा दूसरे को काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छेद बिंदु कहते हैं, और खींची गई रेखा को प्रच्छेद रेखा कहते हैं। काम खत्म, डिफिनेशन सुनिए मत, खाली समझिए। देखिए ये क्या हो गया, इसको छेदने का काम कर रही है, कौन, रेखा, रेखाखंड, किरण, कहां कर रही है, किसी बिंदु पर, जो बिंदु से क्या कहेंगे, प्रच्छेद बिंदु, और रेखा क्या कहेंगे, प्रच्छेद रेखा। काम खत्म, बस काम खत्म हो गया, क्या क्या जिससे हमने, प्रच्छेद रेखा, प्रच्छेद बिंदु। ठीक, एक बिंदु अनंत रेखा, दो या दो से अधिक बिंदु अगर एक ही तल में स्थित है तब, अलग अलग तल में स्थित है तब, कई रेखा खींची जा सकते हैं, तो जितने बिंदु जितने तल में होंगे उत्तर रेखा, रेखाखंड की रचना होगी। काम खत्म, इतना, कोई समस्या यहां तक, आगे बढ़े, चलिए क्लियर हो गया ना। ये नीचे वाला, जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही तल में स्थित होगा उससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखाखंड खींची जा सकती है, एक ही किरण खींची जा सकती है, जबकि अगर एक बिंदु है उससे अनंत रेखा या रेखाखंड खींची जा सकती है। बस काम खत्म, यह रेखा गणित का वह मूल टॉपिक था जो आपको समझाना मेरे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण था। अगर यह टॉपिक आपको समझ में आ गया तो बाकी टॉपिक देखिएगा, हलवा की तरह करेंगे। ये हलवा का होता है, खाना में सबसे सरल बनाने का तरीका है। हाँ, आटा डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, आधा घंटा बाद जाइए तैयार है। ठीक, अब आते हैं, जब कोई पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कोण, कोण पढ़ने पर फिर वापस इस पे आते हैं, क्या पढ़ते हैं, कोण पढ़ लेते हैं, कोण पढ़ने बाद आएंगे सारी कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ेंगे, प्रच्छेद बिंदु, प्रच्छेद रेखा, इन सभी चीजों के साथ फिर हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कोण किसे कहते हैं, अंग्रेजी में एंगल कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, राहुल जी आप बताएं, कोण किसे कहते हैं, तीन रेखा, हम त्रिभुज नहीं पूछ रहे, हमने कोण पूछा। खूब ध्यान समझिएगा, केवल टेस्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किताब में आपको ये मिल जाएगा, आपके पास कोई ना कोई किताब गणित जरूर होगी, ऐसा होगा नहीं कि मेरी तरह आप लोग हो एक को किताब ना हो, आपके पास किताब ढेर सारे होंगे और सब में ये चीजें लिखी गई होंगी। कोण किसे कहते हैं, नहीं पता, चलिए खूब ध्यान समझिएगा, लिखिएगा मत, समझिएगा, खूब ध्यान समझिएगा, जब दो रेखा या दो रेखाखंड या दो किरणें किसी एक बिंदु पर आकर आपस में मिलती हैं, उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, कोण। जब दो रेखा, रेखाखंड या किरण, मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूं, गलत मत समझिएगा, क्योंकि आपको बता दिए रेखा क्या, रेखाखंड क्या है। जब दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पर आकर आपस में मिलती हैं, उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, कोण। कॉन्सेप्ट क्लियर,
जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर आपस में मिलती हैं, उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मामला ये एक परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि कोण किसे कहते हैं, अब पूछेगा कोण को पढ़ा कैसे जाता है। क्वेश्चन दे देगा कि कोण एबीसी इस तरह से दे देगा, कहेगा कोण सीडीए का मान क्या होगा। अब उसमें पता नहीं चलता सीएडी कोण पूछा कौन सा, गोला चित्र बना देगा। अब जरूरी नहीं बीच में किनारे पे हो, तो कोण को पढ़ना अगर हम जान जाएंगे तुरंत पता चलेगा कि कोण पूछा है। और आपको सबसे बड़ी आश्चर्य होगी, आपने बहुत जगह गणित पढ़ा होगा और पढ़ते रहे होंगे और बचपन से गणित पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे, पहली बार आपको लगेगा कि रेखा गणित बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो सकती है। बिना पेन उठाए मतलब इसे क्वेश्चन देखा आप कहेंगे इसका उत्तर होगा, और जब आप बता लेंगे तो इसका मतलब है मैं बेहतर पढ़ाता हूँ और बेहतर। अगर आप मैं आपको समझ में नहीं है आप सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझसे बड़ा मूर्ख टीचर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैंने जो पढ़ाया आपने परीक्षा में सब बेहतर कर लिया तो मैं बेहतर हूँ। चलिए देखते हैं कोण कैसे पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई दो सरल रेखा किसी एक बिंदु पर आकर आपस में मिलती है, उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, माना ये कोण वन है, इसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए पहले क्या क्या, इसे कहते हैं ए और बी क्या है, भुजा। इसे कहेंगे ए ओ बी ओ क्या है, भुजा। जैसे अगर ए ओ और बी ओ, ऊपर मैंने क्या लिखा समझ में आ रहा है, तब ये क्या है, हाँ चल इतना अगर मैंने, क्योंकि तीर नहीं बनाया था, हाँ अब ये किरण हो गया। साथ में आपको याद भी कराते चलना है ना, जब देखिए ये ए और ओ क्या है, किसी कोण में दो भुजा और एक शीर्ष होता है। शीर्ष क्या है, इनको कहते हैं भुजा और ओ को कहेंगे। तो किसी भी कोण में सदैव दो भुजा और एक कपार एक शीर्ष होता है। शीर्ष माने कपार कहते हैं ना, क्योंकि अभी पढ़ेगा त्रिभुज में मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ते रहिए। क्या मिलेगा, दो भुजा और एक कोण मिलेगा। और कोण को कैसे पढ़ते ये याद रखिएगा, इस कोण को तीन तरीके से पढ़ा जा सकता। पहला, कोण को निरूपित करने का ये चिन्ह होता है, शॉर्ट में अगर हमें लिखना होता है इस सिंबल बना देते हैं जिसका मतलब क्या होता है, कोण। इसे क्या पढ़ते हैं, हम कोण पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ते हैं। तो ये इसको पढ़ सकते हैं तीन तरीके से। पहला लिखेंगे कोण ए ओ बी। ये ओ बी कैसे आ गया याद रखेगा, जो शीर्ष होता है वो सदैव कोण के बीच में होता है। तीन नाम है ना, शीर्ष सदैव क्या होगा, बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में। तो इसे पढ़ेंगे कोण ए ओ बी। दूसरा पढ़ेंगे बी ओ ए। तीसरा पढ़ेंगे कंडीशन में, ये जबकि ये शुद्ध विदलित किसी कंडीशन में से पढ़ सकते हैं कोण ओ, कभी रेयर केसेज में ये शुद्ध विधि यही है। ऊपर वाले चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, ए ओ बी या ओ बी ओ ए, ठीक, ये शुद्ध विधि है कोण ए। और कभी कभी रेयर केसेज में जैसे अभी आगे हम लोग मिलेगा तो वहां डायरेक्ट से पूछ देगा कोण एक। एक क्या मान ली, कोण एक दे दिया नाम इसका, कोण एक, कोण एक, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा जो भी देगा वो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कोण को चार तरीके से पढ़ा जाता है। आपको किताब में प्रश्न पत्र में यह तीन सबसे ज्यादा मिलता है, चौथा रेयर कैसे मिलता है जब क्वेश्चन को टफ करना होता है तब। और ये सबसे शुद्ध विधि यह है, उसके बाद यह है, यह अशुद्ध विधि कही जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेज ऐसी हो जाती हैं जिसको शॉर्ट में निरूपित करने के लिए केवल एक कोण मान, क्योंकि हमें सदैव बीच में जो रहता है उसी का मान। तो ये समझ में आ गया कोण को कैसे पढ़ा जाता है। चंद्रमान जी समझ में आ गया ना, चलिए ये समझ लीजिएगा, कोण में दो भुजाएं एक शीर्ष होता है, जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर आपस से मिलती है उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। अच्छा रट्टा मार दीजिए, ठीक है आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट यहां तक। चलिए कोण के प्रकार ये आप लोग लिख लीजिए, भैया आप लोग भी नौ स्क्रीन शॉट कर लिया गया तुरंत, तो आजकल आ गया तीन उंगली मारे स्क्रीन शॉट हो गया। ठीक है आगे बढ़े ना, आप बताइए कोण कितने प्रकार का होता है चंद्रमान जी।
तीन प्रकार का यार, पहलवा ज्यादा होता था, दो ही प्रकार का पहलवा और ज्यादा होता था, पांच प्रकार का। आप त्रिभुज बता रहे हैं क्या? हम कोण पढ़ा रहे हैं आपको, बस कौन है बताएं आप? न्यून कोण नहीं होता, समकोण शुरुआत है क्या आपने? हाँ, कोण कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप लोग? हाँ कौन छह? चलिए छह का नाम बताइए, शून्य कोण बना के दिखाइए हमें कॉपी पे, डायग्राम उसका बना के दिखाइए हमें। हाँ हाँ बताइए, सही है। हाँ हाँ चलिए नाम बताइए, छो का शून्य कोण सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, पहले पढ़िए, वो अपवाद में है, वो गणना में नहीं पढ़ते, न्यून कोण। चलिए बैठ जाइए, सबसे पहला इन्होंने बताया चंद्रमान जी ने न्यून कोण, मन नया कोण है यार ये तो, शुरुआत इसकी यहीं से करेंगे। देखिए आप लोग कैसे लिखते हैं, हम कैसे लिखें, दोनों देखिए बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा इसमें बैठा हो जिसको न्यून कोण का डिफिनेशन नहीं पता हो या न्यून कोण ना पता हो, कोई ऐसा है आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, वह कोण जिसका मान जीरो अंश से अधिक हो किंतु कितने 90 अंश से कम हो, ऐसे कोणों क्या कहते हैं हम? न्यून कोण कहते हैं। तो हमने यही देखा कि वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो किंतु 90 अंश से कम हो, ऐसे सभी कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 88 अंश का कोण कितना, कौन सा है? 90 से कम हो, ठीक। 3 अंश का कोण, 5 अंश का कोण, हम इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे यार, कहीं इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे। देखिए मैंने वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो, मतलब ये थीटा, अगर ये न्यून कोण क्या है, माना न्यून कोण एक थीटा है, इसका मान 0 अंश से किंतु 90 अंश से छोटा हो, माने वह कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा, माने थीटा बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से, ठीक नहीं ये, हाँ 0 अंश से बड़ा है तथा 90 अंश से छोटा है, ठीक। थीटा तो बता रहा है, 90 अंश से बड़ा बता रहा है, ये ठीक, ठीक है। इसको अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश, 90 अंश से जो है थीटा बड़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगा थीटा बड़ा किससे, 0 अंश, ठीक। इसका डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, ए ओ बी थीटा, ये न्यून कोण। एग्जाम्पल लिख लेंगे, 5 अंश, 18 अंश, 88 अंश, 89 सही, 1/2 अंश, 89 अंश, 45 अंश, 50 अंश, आदि लहसुन प्याज, ठीक। कोई समस्या चंद्रमान राहुल जी? यहाँ सीख लेंगे तो यूपी टीटी सुपर टीटी जितनी भी टीटी उटी होती है सब में काम आएगा, और वास्तविकता ये क्या, बस को समझना है, बनाना मत सीखिए, खाली कैसा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अभी देखेंगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम आपको इसलिए बता दे आपको जानकारी रहे बस, ठीक। दूसरे पढ़ें, क्योंकि जितनी भी टीटी होती है सबसे सबसे खतरनाक विषय सुने जिसका होता है उसमें गणित और पर्यावरण होता है, जिसकी सबसे ज्यादा मांग है मार्केट में पूरे प्रदेश में। दूसरा कौन सा कोण होता है हम अधिक कोण पढ़े थे?
पहले अधिक कोण आएगा, पहले समकोण आएगा, समकोण आएगा। अच्छा सही है आप लोग, हम गलत हैं। इसके बाद आएगा सम। देखिए सम माने कोण, माने माने ऐसा कोण जो बराबर हो, माने वह कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे क्या कहेंगे। मतलब सीधी सी बात, ये थीटा बराबर 90 अंश, काम खत्म। इसका एक छोटा सा सिंबल होता है, इसका भी सिंबल होता है, इसका सिंबल ये होता है, न्यून कोण का सिंबल ये, और ये है इस तरह से एकदम सीधा रहता है। इसे लंब भी कभी कभी कहते भी, आगे हम लोग पढ़ते हैं लंब। तो ठीक, थीटा बराबर माने वह कोण जिसका मान सीधा 90 अंश उसे क्या कहेंगे, समकोण। बात खत्म। एग्जांपल क्या दे, बस 90 अंश सही है, इसमें एग्जांपल क्या देना। इसका डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बना दे। ए ओ बी, तीसरा अधिक कौन, ये मिटाए नहीं। हो गया अधिक कोण, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम, 180 अंश से कम 90 से अधिक। ठीक, इसका डायग्राम। हाँ क्या हुआ, देखिए 180 अंश थीटा से बड़ा है और 90 से थीटा बड़ा है, माने 180 अंश से छोटा है, 90 अंश से बड़ा है। यहां भी देखिए 180 अंश से छोटा है, 90 से बड़ा है। ठीक, इसका डायग्राम होगा इस तरह से, सिंबल है मतलब इसका प्रतीक चिन्ह शो करने का ये, और इसका एक डायग्राम बनाते हैं। A, B, O, ठीक, ये हो गया अधिक कोण। हो गया, कोई समस्या यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद अगला जो कोण आता है उसका नाम है ऋजु कोण या सरल कोण। क्या नाम है? ऋजु कोण या सरल कोण। उस पर आते हैं। अभी लास्ट में एक डायग्राम निकलेगा, आप उसे भी पहचानना प्रारंभ करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। अगला आता ऋजु कोण, कहा था चौथे नंबर पे ना, ऋजु कोण, इसे एक नाम से और जानते हैं, कोई पता किसी को? सरल कोण। रेखीय कोण भी कहते हैं, माने वह कोण जिसका मान, माने थीटा बराबर, इसका डायग्राम सीधा बने, एकदम सीधा। ये हो गया ए ओ थीटा,
ए ओ बी ये हो गया थीटा, तो अभी तक हम लोगों ने चार प्रकार के कोणों को पढ़ लिया। पहला पढ़ा न्यून कोण, फिर पढ़ा हम लोगों ने सम कोण, फिर पढ़ा हमने अधिक कोण, फिर पढ़ा रुज कोण। अगला जो आने वाला है उसका नाम क्या है? बृहत कोण। उसके बाद संपूर्ण कोण। ठीक, अब आते हैं बृहत कोण के बारे में पढ़ते हैं। बृहत कोण वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो। मान लीजिए थीटा हो। ठीक, अब यही कोण क्या है? नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए थीटा नीचे की तरफ घूम गया। तय होता है, द दोनों होता है। एक सौ अस्सी अंश से अधिक होता है, 360 अंश से कम होता है। इन सब में कोई यूज नहीं है, बस इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं कि जो प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है बिना पेन उठाए करेंगे। अच्छा, पेन उठाना पड़ेगा वहां तो कोचिंग पढ़ना बेकार। हाँ, से अधिक 360 अंश से कम, 360 अंश से कम। काम खत्म। रिज केवल 90 अंश, 180 180 अंश। हाँ हाँ। अच्छा, एक और होता है, एक रिज कोण बराबर एक, हाँ वही बता देने, तो फिर आप लोग कभी पूछ दिया तो कहेंगे सर पढ़े हुए नहीं किए। एक रिज कोण बराबर दो गुणे समकोण, कहेंगे सीटेट इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है तभी। एक रिज कोण बराबर दो समकोण माने 360 अंश है तो 90 गुणे दो, एक समकोण बराबर 90 अंश, याद रखिएगा। हो गया, आगे बढ़े, हो गया ना, आगे बढ़ा जाए ना। एक आखिरी बचा आपका संपूर्ण कोण। कई कोण हुआ, एक चौथा नंबर पे है। छह प्रकार के होते हैं। ठीक, अब एक और होता है लेकिन मेन मूल रूप से अच्छा होता है। संपूर्ण कोण वह कोण जिसका मान थीटा बराबर 360 अंश। ठीक, इसके डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। एक लाइन ये है ए, दूसरी लाइन यहां से देखिए पूरी पैरेलल घूमते हुए आएगी, फिर इसी लाइन पे आ जाएगी, और वह लाइन इससे क्या हो जाएगी थोड़ी से आगे, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ओ और ये, तो ये बता रहा है कि यह 360 अंश। देख रहे ना, पूरा एक चक्कर घूम के वापस उसी दूरी पर आ जाना, क्या हो गया 360। ये ए बी हो गया, ये ओ हो गया, और ये इनका जो झुकाव हो गया वो थीटा हो गया। ठीक, हो गया। एक और पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। बहुत हो गया थियरी फियरी, क्या बताने जा रहे भैया, वही का नंबर है। अरे भगवान वही बता देंगे, बस बिना बताए आप लोग छोड़ेंगे।
शून्य कोण, वह कोण जिसका मान माने थीटा बराबर जीरो। इसका डायग्राम देख लीजिए, एक रेखा खींचा ए, दूसरा रेखा ये हो गया ओ और ये कोण बन गया ये थीटा। मैंने ये रेखा उसी पर है, चला ही नहीं कहीं, और ये देखिए चला है ठीक, ये उसी पे है, कोई झुकाव नहीं है, तो कितने अंश का हुआ जीरो अंश। नहीं रखा नहीं जाएगा, छह ही रखते हैं। हो गया, ठीक है। अब जो पढ़ने जाएंगे, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो वास्तव में रेखागणित का वो आधार था, इसे हम बेस कहते हैं, इसे मकान बनाने के पहले न्यू बनाई जाती है ताकि घर उसी पे टिका रहे, मजबूत रहे। अभी तक हमने जो पढ़ा वास्तव में उसका उपयोग उतनी नहीं जितना आगे है, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जाता है, आपने अगर UPTD की परीक्षा दी होगी 18 का छोड़ दिया जाए तो लगभग हर वर्ष एक क्वेश्चन रहा है। सीटेट की बात करें तो सीटेट में भी वहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि हर बार थोड़े थोड़े नाम से परिवर्तन हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इसीलिए। और खासकर आपको यहाँ पे जो गणित मिलती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलती है, इसलिए क्योंकि हम खुद एक अभ्यर्थी रहे हैं सीटेट के, इसलिए हमें ये पता है गणित कितना पढ़ाना है, कितने स्तर तक आपको घुसना है। हम ऐसा नहीं कि हम SSC की भी गणित पढ़ाते हैं, रेलवे की पढ़ाते हैं, बैंकिंग पढ़ाते हैं, रेखपाल, सारी गणित हम नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग हैं कि सारी गणित पढ़ाते हैं, कोई गणित आ जाए रेलवे की पढ़ाएंगे, SSC पढ़ाएंगे, बैंकों पढ़ाएंगे। अब बताइए आपको आँख में समस्या हो जाएगी कि हड्डी डॉक्टर को दिखाएंगे? जब आपको आँख प्रॉब्लम आँख के डॉक्टर दिखाते हैं तो क्या SSC गणित पढ़ाने वाला मास्टर CTD गणित पढ़ा सकता है? सुनने में तो आश्चर्य लगता है, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाला, लेकिन ऐसा है। आप यहाँ तक प्रदेश की जितनी भी कोचिंग है, मुझे लगता है 1% भी कहना गलत है जहाँ पे केवल प्रॉपर CTET के मास्टर CTET की गणित पढ़ाते हों। शायद ऐसा होगा आप क्योंकि एक अभ्यर्थी हैं, आपने भी काफ़ी चैनलों को देखा हो, काफ़ी लोगों से जुड़े भी होंगे। अब जरा देख के सोचिएगा कभी, क्या ऐसा है कोई कि इसके भी स्पेशलिस्ट होते होंगे? अगर नहीं होते तो BTC, BEd, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर उसे क्यों बांटा गया? इसका मतलब है सब किसी न किसी विषय में, लोग कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन मामला ये नहीं है। वो क्या पढ़ाते हैं गणित में? आपने कई लोगों को फेस किया होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार जीवन काल में पहले टीचर को आपने फेस किया है। तो सबसे बड़ी समस्या मैंने खुद देखा है, मैं कोचिंग शुरू करने से पहले मैं खुद इस चीज़ को महसूस किया, तब मैंने कोचिंग शुरू की। क्योंकि जितनी उम्र आपकी उतनी लगभग मेरी कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, 1-2 साल ज़्यादा भी हो सकती है, बस ओवरऑल मिला के। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कोचिंग में बहुत बेहतर तरीके से। और सबसे बड़ी बात, आपको आश्चर्य होगा कि जौनपुर जनपद में जब से मैंने शुरू किया, इन 2 वर्षों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला। पहले कोई किसी भी टीचर को पढ़ाता था, जब मैं यूट्यूब पे आया तो लोगों ने अपने अध्यापकों से प्रश्न पूछना शुरू किया, सर ये तो सिलेबस में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी कोचिंग बगावत हो गई थी कहीं और जगह, इसलिए कारण ये कम से कम मेरे आने से लोगों को ये तो पता चला कि वास्तव में पढ़ाना क्या है। वैसे एंट्री करते थे जो मन में आया पढ़ाते थे, 15-15 दिन संख्या पद्धतियां चलती थी, 20-20 दिन संख्या पद्धति चलती थी, जबकि वास्तव में संख्या पद्धति से केवल जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। CTET UPTET SuperTET की बात कर ले सरलीकरण में, और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अंकों को पलट दिया जाए तो इतने गुणे से अधिक इतने गुणे से कम हो जाती है, वो क्वेश्चन आपको वो अनुपात में भी पढ़ाया जाता है और औसत में पढ़ाया जाता है। तो मिला जुला के माने ये नहीं रखता आप कितना पढ़ते हैं, माने ये रखता है कि जो पढ़ते हैं वो परीक्षा में आता नहीं। कोई कहता है 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे रोज पढ़ते हैं, भैया सिलेक्शन कितना लिया? मामला ये नहीं होता कितना पढ़ाते हैं कितना पढ़ते हैं, मामला ये होता है कितने सेलेक्ट हुए। मैंने भी पहले बताया था ना, अगर मेरे 4 पढ़े 4 सेलेक्ट हो गए तो क्या परसेंट रिजल्ट हुआ? 100%। आप 400 पढ़ाए 4 सेलेक्ट किए, कितना हुआ? 1% रिजल्ट। तो हमें 100% चाहिए ना, हमें भीड़ जुटानी है, इसलिए ना मेरा ऑफलाइन में कोई एडवर्टाइज था आपने नहीं देखा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो भाई किसी के द्वारा जो हमें जानता होगा, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए बोर्ड बैनर देखे होंगे, चलिए कोचिंग है वहाँ देखते हैं, काउंसलिंग करा, आप एंट्री कर लिए, पढ़ना शुरू किए। तो इसलिए आप लोग फिर मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़िएगा इस बात को विशेष जरूर करिए, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट होने के बाद एक अध्यापक कगार में खड़े हैं और एक अध्यापक है, तो एक अध्यापक को खुद ये समझना चाहिए कि क्या जिससे पढ़ने जा रहा है क्या वो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ा रहे नहीं।
क्योंकि जैसे अभी पता चला है कि नोट्स बहुत लोग मार्केट में आ गया, जबकि शुरुआत 2017 में मैंने सीटेट यूपीटेट की नोट्स देना शुरू की थी। उसके पहले आप उठा के इतिहास देख लीजिएगा, केवल आईएएस पीसीएस की नोट्स आपको मार्केट में मिलती थी, सीटेट यूपीटेट की नोट्स मार्केट में नहीं मिलती थी। 2017 से मैंने ये पहल शुरू की, उसके बाद 17 में सबसे पहला नोट्स मेरा आया, 18 में इलाहाबाद के चंद्रा ने शुरू किया, जबकि 17 में मैंने शुरू किया तो 18 में उन्होंने भी शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, मेरे नोट्स को मंगा के कॉपीराइट की गई, लेकिन मैं कोई क्लेम करने वाला बात हूँ नहीं, अगर नहीं हो तो जाके देख लीजिएगा। अब मैंने क्या किया, अब जो मेरे नोट्स आ रहे हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ मार्केट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल मैंने दी, चाहे यहाँ की कोचिंग हो चाहे इलाहाबाद की हो, और यहाँ तक कि हर जनपद की कोचिंग हमसे कनेक्ट है। कहते हैं सर अपनी एसटी हम तक शेयर किया करिए, लेकिन हम अपनी एसटी शेयर नहीं करते। कल से मेरी खुद की पोर्टल बन चुका है, आपको पता है कि नहीं, अगर नहीं पता हो जान लीजिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश का प्ले स्टोर पर पोर्टल बन गया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट है, आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। आज शाम से आपको सीटेट की मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये जौनपुर की सबसे बड़ी पहल है। मॉक टेस्ट मैं इसलिए जारी कर रहा हूँ, मैं फ्री में जारी कर रहा हूँ, ताकि जिस कोचिंग संस्थान में पढ़े उससे सर उठा के पूछ सके, सर आपने इसमें से एक को गणित तो नहीं पढ़ाया है, ये तो इसमें पूछा कि आपने पढ़ा, क्योंकि अभी भी आपके पास एक महीने का समय है। अगर चाहें तो सीटेट के लिए 15 दिन बहुत है, मैंने आप लोग को पहले बताया है, जितना मैंने नोट दिया 15 दिन बहुत है। आज शाम से आपको मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगी, और मैं आपको 20 मॉक टेस्ट दूंगा, कितना, सभी को 20, और 20 को पढ़ने के बाद आपको उसमें सॉल्व नहीं करना है। आपको मैंने मॉक टेस्ट बनाते समय में एक महीना कंटिन्यू परेशान था मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट कैसा हो, सबसे बड़ा प्रश्न ये था, मॉक टेस्ट कैसा हो। अब इस पर हम चर्चा करेंगे, लंबी बात लेंगे, आप लोग से भी करेंगे। इसके लिए ज्योति मैम, कीर्ति मैम, कितने कितने लोगों में बैठा बैठा के पूछा कि मॉक टेस्ट कैसा हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिक्षण विधियां जितनी पढ़ी, जितनी शिक्षण सूत्र पढ़ी है, उन सभी का जिक्र मैंने कहा किया है मॉक टेस्ट में, कि सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन हो, कठिन से सरल हो, कि विश्लेषणात्मक हो, कि संश्लेषणात्मक हो, कि कैसा हो मॉक टेस्ट। तो ओवरऑल ये निकल के आया कि आपको जितना ज्यादा परेशान करेंगे उतना ज्यादा आप तप कर बाहर निकलेंगे। इसलिए मॉक टेस्ट में कोई पोर्शन एकदम सरल है, कोई पोर्शन एकदम, मतलब अब 90 तक पहुंचने के लिए पैर का पसीना सर पे चढ़ाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीटेट है। सबसे बड़ी बात, अपर प्राइमरी प्राइमरी में दोनों की जारी कर रहा हूं, अपर प्राइमरी और प्राइमरी आज शाम से होगा, जबकि वो भी मैंने कई किताबों से ही निकाला है। आज शाम से संभवतः टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी दिक्कत यह है कि उसका मेन कवर नहीं बन रहा था, अब मेरे दिमाग में डिजाइन ही नहीं आ रहा था कि मेन कवर कैसा हो। मॉक टेस्ट बन के तैयार है, 10-10 मॉक टेस्ट बन के तैयार है, अब कवर पेज नहीं आ रहा है, अभी आप लोग सराह लेंगे फ्रंट पेज कैसा हो। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम लोग। हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था प्रच्छेद रेखा, प्रच्छेद बिंदु, अगर आपको याद होगा तो सही है, नहीं याद होगा तो पुनः एक बार पढ़ेंगे। किसी एक बिंदु से एक या एक से अधिक अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, हम भी गुजारते हैं। ठीक, यहां से कोई बिंदु है, अच्छा नहीं इसको छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं। एक होता है कप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अंग्रेजी पढ़िएगा वरना गड़बड़ा जाइएगा। पहले आता है सी की एस, पहले कौन सा आता है, अंग्रेजी वर्णमाला को पहले सी आता है। एक होता है कोटि पूरक, एक होता है लंब पूरक, और एक होता है संपूरक। तो संपूरक लंबपूरक में भी कंफ्यूज रहता है कब संपूरक है कब, लेकिन याद रखिएगा कि उसकी अंग्रेजी एक तरफ दी गई होती है, क्योंकि मैंने बहुत लोग को पढ़ाया, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाता है कि कब सर लंबपूरक होता है कब संपूरक होता है, अभी तो समझ में आ जाता है, परीक्षा तक महीने बाद है, और तब तक वहाँ एक तो एग्जामिनेशन प्रेशर भूल जाता है, तो बगल में अंग्रेजी दी गई होती है। जैसे यहाँ हिंदी में क्वेश्चन है अंग्रेजी में, तो जहाँ डाउट हुआ तो कहाँ देखिया करिए अंग्रेजी, तो अंग्रेजी देखेंगे तो वहाँ एक बात क्लियर हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल, फिर कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, तो पहले क्या आएगा सी, फिर बाद में आएगा। ठीक, काम खत्म। अब देखिए, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। माने एक कोण का दो कोण, जैसे अगर हमने दे दिया कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो कोण ए कोण बी का क्या है, कोटि पूरक, और कोण बी कोण ए का, कोण ए कोण बी का। अब कहीं लगे कैसे, इस तो पूछेगा नहीं, अब हम प्रश्न पूछते हैं 30 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, 60। माने उनका योग कितना होना चाहिए, जिसका कोटि पूरक पूछेगा 90 से घटा दीजिए, बात खत्म। ठीक, 15 अंश का कितना होगा, बस 90 से 15 गया, मैंने पहले कहा था आपको जोड़ घटाना खाली याद करके रखना है रेखागणित में, अभी और बताएंगे, इतने कठिन कठिन सवाल होंगे आप ऐसे जुबान में बताएंगे, कितना होगा 75। 42 अंश का ये पूछा क्वेश्चन है, 48 अंश। 44 का
37 सही 1/2 का, हाँ 37/5 कर दीजिए, बताइए जल्दी से, फिर से जोड़िए, 52 1/2, ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। एक क्वेश्चन यूपीटेट का, वह कोटि पूरक क्या होगा जिसका अपने के 4 गुने में 2 जोड़ने पर वह अपने का लंब पूरक हो जाता है, कोटि पूरक, तो मानेंगे वो माना यक्स, तो यक्स गुणे हो जाएगा 4 × x + 2 = 90°। ये सीटेट का यूपीटेट का पूछा क्वेश्चन, अपने के 4 गुने से 2 अधिक है, अपने के 4 गुने से तो माना संख्या यक्स, 4 गुना माने 4x, 2 अधिक है प्लस 2 बराबर 90, तो 4x बराबर 90 माइनस, तो 4x बराबर यक्स बराबर 88/22। तो क्या है, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा उसको याद होगा, अभी तक सबसे कठिन क्वेश्चन नहीं है, बाकी हमेशा इजी पूछता है, ये पूछा क्वेश्चन है, अपने 4 गुने से 2 अधिक है, बस बात खत्म, 4 गुना करे 2 अधिक है, अरे माना यक्स, गणित के मास्टर थे ही माना यक्स, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, अरे जल्दी करिए। अब आते हैं संपूरक की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, अभी इसीलिए आपको एसटीवी तो देते हैं हम, अभी तो आपको नहीं मिला होगा, गणित का अपने मैंने नोट्स दिया होगा, इसमें सोल्यूशन नहीं होता, इसमें क्वेश्चन दिया है, ठीक, और सोल्यूशन इसीलिए नहीं देते कि हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। चले आगे आते हैं, अब आते हैं संपूरक की बात करते हैं, संपूरक के भी 3 नाम है, 3 नाम में नहीं जाते, आते सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं यस आता है, तो जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए एक दूसरे क्या होंगे, ठीक 130 अंश का, हाँ 130 का, वहाँ वहाँ जो 90 था वहाँ 180 हो गया, बस बात खत्म, ठीक 40 का, ठीक 55 का, 125, ठीक 125 का, 55, ठीक कोई समस्या यहाँ तक, पूछ क्या रहे हैं आप, संपूरक 55 का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस, समझ में आया, समझ में आ रहा है, 180 संपूरक माने 180 घटा देंगे, कोटिपूरक में 90 माने कप्लीमेंट्री एंगल सी से आएगा तो 90 घटाएंगे, यस से आएगा तो 180 घटाएंगे, बात खत्म, सी माने 90 यस माने 180 से याद कर लीजिए, भैया प्राथमिक के सीटर देने जा रहे हैं, एसएससी नहीं देने जा रहे हैं आप, एकदम हलवा प्रश्न पूछते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो याद होगा, आगे बढ़े, ये खत्म, इस प्रश्न सॉल्व करिएगा आप लोग नोट से, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए खासे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अगर इस टॉपिक को आपको हर हाल में समझना, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप हमारी जिम्मेदारी, अब खूब ध्यान से समझिएगा, एक होता है आसन्न कोण, क्या होता है ये कोण, जाए भाड़ में कितने लोग पंडित हैं ये बताएं, मैं कोई पंडित है, आसन माने क्या होता है, बात खत्म, माने कहीं बैठने का स्थान, जब केक के कपारे कोई बैठा तो क्या कहेंगे, कपारे किसी बैठो क्या कहेंगे, आसन्न कोण, माने किसी कोण के ऊपर अगर एक कोण बना उसे क्या कहेंगे, बात खत्म, इस साले बकाते हम लोग कहें याद ना हो, ऐसे कोई कोण बना दिए हम, अब एक कोण के ऊपर एक कोण बना दिया कौन सा कोण कहेंगे, ठीक ये बैठने वाला क्या है आपका पीड़ा है, ये बैठे हैं सीधी से पूछेगा नहीं, अब अगर कह दिया किसी आसन्न कोण का मान 90 अंश है, कितना है, यदि एक कोण 30 अंश का दूसरा, अरे भैया एक आसन कोण 90 अंश का, ये 30 का कितना हुआ, बात खत्म, अब ये घुमा फिरा के जो भाई साला पेट के पढ़ा पूछते क्वेश्चन, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, अरे भैया जब दोनों का 90 है ये अकेले 30,
तो बचा कितना ही, बात खत्म। फिर बनाते दूसरा, ये 70 रहती कितना हुआ। अब कहेंगे ए बी सी ए का सन्न कोण है, इसे नाम लिखेंगे, यहां लिखेंगे कोण ए, कोण ओ, कोण बी, कोण सी। ठीक, कोण ए ओ बी बराबर 70 है, कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। यदि कोण ए बी सी ए ओ सी एक आसन्न कोण हो तो, अब लड़का कंफ्यूज, ये तो पहले 3 घंटा का पेपर है, ढाई घंटे कितने का, 150 मिनट का, ढाई घंटे का पेपर, ऊपर से इसे भाषा, बस बात खत्म। समझ में आ गया, समझ में आया। अब हम जो पूछने बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा, ये समझ में आ गया ना। चलिए डायग्राम बनाते चलिए। ये आसान उसरा नाम हम नहीं पढ़ाते, हमारे बहुत खास आदत है, जब पूछता नहीं तो बेवकूफ बनाते हैं। आप लोग आएगा डायग्राम पे, अरे ठीक है हम समझ गए, समझा दो इन लोग को। वाह भाई आप लोग इतने जल्दी इतने तेज हो जाएंगे, हमको नहीं पता था। अच्छा देखिए, अब देखिए जब इस प्रकार का कोण देगा तो पहले क्वेश्चन क्या देगा, ऐसे चित्र नहीं बनाएगा, ध्यान दीजिए चित्र नहीं बनाएगा, क्वेश्चन क्या देगा। यदि कोण ए ओ सी एक समकोण हो तो, क्या लिखेगा, यदि कोण ए ओ सी समकोण हो, या ऐसे दे देगा कोण ए ओ सी बराबर 90 डिग्री, तथा क्वेश्चन बनाएगा कोण ए ओ बी बराबर 3x, तथा कोण बी ओ सी का बराबर 6x, तो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। बी ओ सी मैंने पहले बताया कोण कैसे पढ़ा जाएगा, ए ओ बी किसी भी कोण का मान पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। अब क्या करना, क्या है करना, क्या है भैया, सीधा से कह रहे हैं इन दोनों का योग 90 अंश, तो 3x प्लस बराबर, बात खत्म। अब कभी यही जोड़ घटाना बताएं हम, ये दोनों एक के बिरादर हैं, गधा गधा आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 90, x बराबर 90/9 कट गया 10, तो x का मान 10। अब रख देंगे जब x बराबर 10, तो 3 × 10 = 30 = 60, बस बात खत्म। प्रश्न बदले, जल्दी लिखिए इसको, प्रश्न बदले, समझ लीजिए आप लोग भी, स्क्रीन शॉट रख लीजिए, कोई समस्या होगा फिर बताइएगा। इससे सरल वे में नहीं पढ़ाया जा सकता जहां तक मैं जानता हूं, अभी ये बेसिक है, अभी और ऊपर चढ़ेंगे धीरे धीरे। इस बार यूपीटीटी 2018 जिसने दिया होगा क्वेश्चन याद होगा, 10 अंश उत्तर है, हमको याद है 10 अंश, 10 अंश, हाँ यूपीटीटी 2018। अरे बस कर, इतने में तो कम से कम 20 सवाल लगाए होते हैं, हो गया। ए ओ बी सी, ठीक, यदि हाँ ओ बी सी, यदि कोण, देखिए कोण ए ओ सी एक समकोण हो तो, यदि कोण ए ओ सी एक समकोण हो तो, तथा कोण ए ओ बी अनुपाते कोण बी ओ सी बराबर, अरे क्वेश्चन बोले क्या, चलिए क्वेश्चन लिखिए, हाँ क्वेश्चन लिखिए तब, हाँ क्लियर रहेगा। देखिए यदि कोण ए ओ सी एक समकोण हो, यदि कोण ए ओ सी एक समकोण हो, कोण ए ओ सी एक समकोण हो, तथा कोण ए ओ बी अनुपाते, कोण ए ओ बी अनुपाते, अनुपाते चिन्ह ए ओ बी अनुपाते कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर,
कितना कर दें? 3:1 चलिए, नहीं 3:1 मत करिए, 3:2 कटना भी चाहिए कि 3:2। तो कोण BOC का मान होगा, तो BOC का मान होगा, लगे कैसे? समझ में नहीं आया लगे कैसे? देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। यदि कह रहा है एक डायग्राम बने कोण AOC बराबर 90 अंश माने समकोण है, ठीक, काम खत्म। एक तो बीच में खींच दिए तो कोण AOB कोण BOC कितना है? 3:2। पहले क्या है AOB, तो माना वह अनुपात कितना? ये 2x और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, देखिए दो तरीका है, ये इसे मत भागिए, ये तो तरीका लगा लेंगे आप, एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। कह रहा है कि कोण AOC अनुपाते कोण BOC बराबर 3:1, अनुपाती योग से कुल कोण में भाग दे देंगे। कुल कोण कितना है याद रखिएगा, सदैव अनुपाती योग से भाग देंगे, अनुपाती योग कितना होगा? गुणे, जिसका मान पूछेगा उससे गुणा कर देंगे। किसका पूछा है? BOC, तो BOC कितना है? 2 × 2। अगर पूछता A का तो 90/5 × 3, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ये अनुपातिक नियम है, वो यक्ष वाला नियम है। अनुपाती योग, समाप्तर रेशियो, इसे कहते हैं समाप्तर रेशियो, अनुपाती योग 3+2, हमने अनुपात पढ़ाया था शायद आपको याद नहीं है। सदैव, जब कभी भी किसी अनुपात को दो भागों में डिवाइड करना, सदैव अनुपाती योग का यूज करते हैं बस। अरे भैया भी और आगे चढ़ना है, अरे घबराइए मत, इस तरह क्वेश्चन फिर अभी आपको मिलेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करने दीजिए। हो गया, अब इसको अभी दो टांग निकाल रहे थे, अब 3 टांग निकालेंगे। क्या टांग? तीन टांग जानते हैं ना, हाँ, इसे कहते ट्रिपॉड, हाँ, 3 टांग वाला। तीन अनुपाते 2:1, या तो 3x 2x x, ए ओ बी सी डी, इनका यदि कोण ए ओ डी बराबर 90, 3x 2x, तो कोण DOC का मान क्या होगा? तो कोण DOC का मान, ऐसे क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बहुत सही। चंद्रमान इस बार लग रहा है मिशन किला फतह। आप लोग वेबसाइट से ई-लर्निंग विद दुर्गेश एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे STA देते रहिएगा सभी सब्जेक्ट के। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर मोबाइल जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड करिए, इसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं। हाँ, अभी इसमें मैडम की DP लगी हुई है, ज्योति मैम की, अभी जल्दी कोचिंग की लोगों लग जाएगी, लेकिन हमें कुछ दिन और चल जाए। अरे यही पूछा है ना, DOC का मान, DOC का मान पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, 3x + 2x + x = 90। अब ये मत कहिएगा यही जोड़े हम भाग, अब जोड़ लेंगे ना। अगर ये अनुपात में दिया तो सेम क्वेश्चन ही देता कि 3:2:1, तब भी ऐसे लगा लेते, या तो अनुपाती योग से अनुपाती योग लेते और 90 में भाग देते, जिससे पूछता उससे गुणा कर देते। ठीक, कोई समस्या?
ठीक है, ये हो गया। देखिए इसी के आधार पर, देखिए वास्तविकता ये है ना, अगर एक बार आपकी बेसिक समझ में आ जाती है उसके बाद प्रश्न को कितना भी घुमाए टहराए आप आसानी से कर ले जाते हैं। शुरुआत करते हैं आगमन विधि। बताइए आगमन विधि क्या है? बताइए आगमन विधि क्या है? चलिए अब आते हैं, अब हम एक सरल कोण की रचना करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये कोई हमने सरल कोण खींच दिया इसके ऊपर, मैंने देखी ये, अगर ये पूछ दे यक्ष अंश का मान क्या होगा, आप बताइएगा यक्ष अंश का मान क्या होगा? हाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी कोण इधर देखिएगा, जो कोई सरल कोण हो, चाहे इसको इस तरह चित्र बनाता, चाहे इस तरह चित्र बनाता, चाहे डायग्राम को इस तरह से बनाता, इस ड्राम को, किसी भी सरल रेखा के ऊपर या नीचे बनने वाले कोण का योग सदैव 180 अंश होता है, याद रखिएगा। वैसे देगा, अगर नहीं देगा तो किसी सरल रेखा के ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी बनेगा उसका योग सदैव 180 अंश ही होगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे 180 से। ठीक, नहीं समझ में आया? देखिए अगर इन दोनों यह तीनों को मान दिया है, इसका मान पूछा है, तो कितना होगा, जबकि हमें जानते हैं इन तीनों का योग सदैव 180 अंश होगा, तो इन दोनों को जोड़ के अगर 180 घटा देंगे यह भी निकल जाएगा। कैसे, यदि राम श्याम मोहन मिलकर 180 रुपया कमाते हैं, राम और मोहन इतना कमाते, सोहन कितना कमाता है, तो कुल पैसा में से इन दोनों का घटा देंगे तो बचेगा इसका। समझ में आया? आया तो बताइए कितना आया। अरे और सबका पूछे हैं, अरे अभी सरल, अभी और कठिन तरफ चल रहे हैं, कहाँ परेशान है आप लोग। ठीक आगे बढ़े, चंद्रभान जी समझ में आ रहा है? कितना कितना लिखे चंद्रभान जी, जितना आप कहेंगे उतने लिखेंगे, न ज्यादा न कम, कोण ए ओ बी सी डी कितना लिखें? यदि कोण ए ओ डी बराबर 180 अंश हो तो कोण बी ओ सी का मान होगा, लगाइए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है, लगा लेंगे x प्लस 30, x माइनस 10, 2x। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन तीनों का योग सदैव क्या होता है, क्या होगा, 180 अंश। कितना होगा, इन तीनों का योग 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 30, x माइनस 10 प्लस 2x बराबर 180 अंश। हाँ हाँ ठीक, अरे हम समझ गए, आज इसमें राजधानी एक्सप्रेस पे है। देखिए कैसे लगेगा, इसका योग, इसका योग, इसका योग मिला कितना है 180। तो लिखेंगे x प्लस 30, x माइनस 10 प्लस 2x बराबर, अब एक बिरादरी जोड़ देंगे, एक यक्ष, एक यक्ष, दुई यक्ष, दुई, ठीक, गधा गधा एक तरफ जोड़ दिए, एक गधा, दुई गधा, दुई गधा, चार गधा। जब पद समान हो चिन्ह विपरीत हो, तो बड़े पद में से छोटे पद को घटाकर सदैव बड़े पद का चिन्ह रखते हैं। तो 30 में से 10 गया धन 20 बराबर 100, ये इधर प्लस उधर गया तो
तो 4x बराबर 180 माइनस 20, तो 4x बराबर 160, x बराबर इधर गुणे में उधर जाएगा भागे में, तो हमें मिला x बराबर, मान रख दीजिए पूछा है BOC, तो 40 माइनस 10 बराबर 30। साल पढ़ लीजिए, ठीक है चार एक चीज़ देखिए, एक एक्स एक दुई एक्स लिखा, कहा ये दुई ठो है, दुई गधा तीन गधा चार गधा, हो गया समझ में आ गया, कहिएगा इसको समझ लीजिए, इसके बाद फिर प्रश्न देंगे, फिर मत कहिएगा नहीं समझ में आया। जल्दी करिए, रिटर्न करिए सर, आगे बढ़े, क्वेश्चन बनाते रहे तब तक भैया आप लोग, साल करते रहे क्वेश्चन बनाते रहे, बनाने में टाइम लगता है। यदि ए ओ बी बराबर 3x प्लस 5, बी ओ सी बराबर 5x माइनस 15, 5x माइनस 15, ये 5x, 5x माइनस 5, और इनका मान 180, सो ए ओ डी बराबर, सबका मान निकाल दीजिए, इसको मिटा दे ना, देखो क्या होगा आप लोग का भी, किसी का बता दीजिए जिसका, हाँ या इसका ही मन बता दीजिए, सॉल्व करिए फिर नहीं आएगा तो हम बताते हैं। देखिए हम लोग प्रारंभ से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इनका 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 जो योग होगा, इनका 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 जो योग होगा कितना होगा 180, तो लिखेंगे हम चाहे इधर से लिखे चाहे इधर से, 3x प्लस 5 एक कोष्टक में प्लस 5x माइनस 15 प्लस 5x माइनस 5 बराबर 180, ठीक सबका योग करेंगे, बस तोड़ के लिखेंगे हो जाएगा 3x प्लस 5 5x माइनस 15 प्लस 5x याद आप लोगों ने किया था, अब देखिए ये प्लस ये 5 प्लस 5 माइनस कट जाएगा, ये 5 प्लस 5 ये खत्म, अब ये 3x 5x 5x 3 5 8 5 13x यहाँ क्या है माइनस 15 उधर जाएगा प्लस 15, ठीक ठीक है, फिर x बराबर 195 बटे कितना आएगा, अब इसी 15 का मान रख दीजिए वहां, हाँ कोई भी निकाल दीजिए, x की निकालिए चाहे किसी कोण का मान निकाल दीजिए,
ठीक। इसके आगे आप कल पढ़ेंगे। मान रखना, ध्यान देखिए, 15 3 45 5, 15 5 75 -15, 15 5 75 -5, 5। ठीक, कोई समस्या? कल फिर से शुरू करेंगे, दो क्वेश्चन देखे। आज के लिए इतना ही, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? बस आप लोगों को क्लियर हो गया? सौरभ जी आपका क्लियर हुआ? मानसी जी, आपकी मित्र कहाँ है? ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, पुनः न हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, शायद जो समस्याएं हो समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कि रेखाकृति को हमने पूरा साफ तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा, बेहतर भी लगा होगा। फिर भी एक बार पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, दोबारा भी देख लीजिएगा और इससे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे भी अगर आपने नोट्स लिया होगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। ठीक, चलिए।